हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मास किचन। आज की जो रेसिपी है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हटके है। कैसे, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने देसी चना है जिसे एक रात के लिए भिगोकर रख लेना है और फिर उसके बाद इसको 2 दिन के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अंकुरित हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च रखी हुई है। इसे एक एक करके हम लोग इसमें मिलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज इसमें मिलाया जा रहा है। बारी है अब बारीक कटे हुए टमाटर की, उसे भी अच्छे से मिला देना है। और अब हरी मिर्च, इसे भी इसमें अच्छे से मिला देना है। रेसिपी बहुत क्विक है, बहुत टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ये आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेगी और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। बारी है इसमें नमक को मिलाने की, इससे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हो। अब मैंने आपसे बात की थी कुछ अलग इसमें यूज़ करने की, तो यहाँ मैंने हाजमोला टैबलेट्स ली थी, उन्हें क्रश कर लिया है। और आपको इसको इसका जो है पाउडर बना के इस रेसिपी में उसका यूज़ करना है। ये जो वेरिएशन है ये इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है और ये चीज़ आपके लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बारी है इसमें अब नींबू है, उसको अच्छे तरीके से इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। लेमन का जो फ्लेवर है वो इस रेसिपी को तो और ज़्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने आधे नींबू का यूज़ किया है। रेसिपी बन करके रेडी है। जैसा कि आप देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ ये आपका बहुत सारा टाइम भी बचाएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। फिर से एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।